टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामो और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मामा, मेरा लेपर्ड प्रिंट वाला स्वेटर कहाँ गया? कल यही था। क्यों घुसती है चंदा मेरी चीजों में? मुझे नहीं मिल रहा ना। मामा, क्यों शोर मचा रही है ये लड़की? चंदा, मामा, चंदा, शीबा जी, मामा, चंदा जरा प्लीज ये ऑमलेट देखो, मैं जरा देखूं तुम्हारे भाई को। और ये शोर डाला हुआ इसने सुबह सुबह मारूफ ने, पता है अगर इजाज को नाश्ता टाइम पे नहीं मिला ना, उन्होंने की बातें सुनानी। और इसको तो देखूं क्या शोर डाला हुआ इसने, कितना शोर मचाया है, कैसी क्या कयामत आ गई है। मेरा लेपर प्रिंट वाला स्वेटर नहीं मिल रहा, मुझे वही पहनना है। क्यों घुसती है चंदा मेरी चीजों में? नाउ आई कैन नॉट फाइंड इट। पूरा एक घंटा लगा के उसने तुम्हारी क्लोजेट ठीक की थी और तुमने सब कुछ उल्टा सीधा कर दिया। भाई वो तुम्हारी क्लोजेट जब ठीक कर रही थी उसी में से निकला था, इतना गंदा हुआ हुआ था उसने धोने के लिए बाहर डाल दिया। तो कर देगी ना वापस सेट? कौन सी इतनी बड़ी आफत आ गई है? मारुख इंसान को इंसान समझते, वो मशीन नहीं है। कोई हाल मुझे वही स्वेटर पहनना था। अब मैं रेडी हो रही हूँ, उसे बोलेंगे जल्दी से ठीक कर। जी जरूर। कोई हाल नहीं है इस लड़की का, चीजों की इतनी परवाह है लेकिन इंसानों की जरा नहीं है। पता नहीं कब लावाली पर इसका खत्म होगा। क्या हशर किया मैं कपड़ों का? तुम तो ओफो, आज फिर इस लड़की की वजह से ना नाश्ता लेट हो गया। अच्छा बाजी, मैंने सारा नाश्ता लगा दिया है टेबल पे। शाबाश। वैसे एक बात है चंदा, तुम्हारी वजह से ना कितना आराम है मुझे, आधी थकन तो मेरी वैसे ही दूर हो जाती है। अच्छा एक काम करो, चाय मैं ले आऊंगी, तुम जाके ना मशीन से कपड़े निकालो। अच्छा बाजी, मैं निकाल देती हूं। शाबाश। अच्छा जी, अगर चंदा नहीं होती ना कोई काम वक्त पर नहीं होता। पता नहीं कौन सी मेरी ऐसी नेकी थी जो ये लड़की मेरी जिंदगी में आ गई। ये लो, आ भी गई। और अगर कल को इसकी शादी हुई तो क्या? शादी उसका बुनियादी हक है। बस तो मैं मामा चंदा की जगह काम पर रख लेंगी। वेरी फनी, खबरदार जो तुमने मुस्तकबिल की डेंटिस्ट को चंदा की जगह लाके खड़ा किया ना, सारे दांत निकालने में हंसती रहना तुम। मुस्तकबिल की डेंटिस्ट, बातें सुनो जरा, दिन ब दिन बड़े होने के बजाय ना तुम बच्ची बनती जा रही हो और अपना तुम ख्याल कर नहीं सकती, लोगों के दांत क्या संभालोगी? हाँ देखे पापा मामा क्या कह रही है। माँ भाई खबरदार, मेरी बेटी को कुछ नहीं कहे। हाँ मैं जानता हूँ ये बिल्कुल मेरी तरह ना भाई जिम्मेदार है, नो वरीज। बस आपके लाड प्यार ने ना आपकी बेटी को बिगाड़ दिया अच्छी तरह से। इस उम्र में ना मैं एक बच्ची की माँ भी थी और पूरा घर भी संभाल रही थी, और इस उम्र की लड़कियां जो है ना पूरा घर संभाल रही होती हैं। हाँ मामा प्लीज, अब अपने जमाने की तो बात ही ना करें। क्या था करने को? ना टीवी ना इंटरनेट, अब टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। देख ले कैसे कैंची की तरह जमान चलती है इसकी। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ कि चंदा तो तुम्हारे उम्र की है ना, उसके बारे में क्या ख्याल है, कैसे पूरा घर संभाला हुआ उसने? मम्मा ने सही कहा, पहले तो वो टर-टर करती थी, अब तो वो काम में ही लगी रहती है। बेटा इंसान थक ही जाता है, मेट्स का भी एहसास करना चाहिए, उनका हाथ बटाना चाहिए। माजरत से लेकिन मेरी बेटी ना इसे मतलब काम करने की जरूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह मैं इसकी शादी ऐसे राजकुमार से कराऊंगा कि वो इसे अपनी पलकों पर रखेगा। अरे भाई कोई भी ख्वाहिश लबों पर आने से पहले ही इसकी मुकम्मल हो जाएगी, तुम देखना। मामा आप सारा दिन उसके साथ लगी रहती हैं तब भी आपका दिल नहीं भरता, कुछ है और करने को? तुम्हें पता है कि मैं चंदा को अपनी बेटी ही समझती हूँ। 1, 2, 3 Happy birthday to you. You're most welcome, my beta. Most welcome. ये तुम्हारा नया iPhone है। चंदा, चंदा, चंदा। मम्मा का दिन तो चंदा के बगैर गुजरता ही नहीं था। सारा दिन वो चंदा की तारीफें करते गुजार देती थी।
चंदा ने ये कर दिया, चंदा ने वो कर दिया, चंदा ना होती तो मैं क्या करती। मम्मा की बातों से तो लगता था जैसे मैं मम्मा की बेटी नहीं, चंदा मम्मा की बेटी है। चंदा, चंदा जी। बाजी क्या हो गया भाई, आज इतनी खामोश क्यों? कोई मसला वसला तो नहीं है? नहीं बाजी, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो फिर इतनी खामोश क्यों आज? घर में तो सब खैर है ना? जी बाजी। गुड, कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, ठीक है? बाजी वो मुझे 4,000 की जरूरत है। 4,000 रुपए? क्या करोगी इतने पैसों का? अच्छा दे देती हूँ 4,000 रुपए, लेकिन 2,000 रुपए तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगी और 2,000 मेरी तरफ से। ठीक है बाजी। चलो मैं भी लेकर आती हूँ, बैठो। एक तो ये चंदा को भी 4,000 रुपए की पता नहीं क्या जरूरत पड़ गई है, इतने पैसों का करेगी क्या ये? लेकिन चलो कोई नहीं, गरीब है बेचारी को जरूरत होगी, मेरे भी तो काम आती है हमेशा, इतना देर सवेर हो जाए जरा तंग नहीं करती। ये लो अपने 4,000 रुपए, गिन लो इन्हें और अब खुदा के लिए अपने चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट और रौनक ले आओ, सुबह से बुझी बुझी फिर रही हो। और प्लीज बेटा जरा हांडी चढ़ा दो, और दूसरा ये कि कपड़े भी सुखाने हैं, और महारुक की अलमारी तुम्हें पता है वो कितनी लापरवाह गंद मचाया हुआ है, उसकी अलमारी भी देख लेना, ठीक है? चलो शाबाश, तुम काम निपटाओ, मैं ये बाकी की मटर छील देती हूँ। अरे हाँ, मैं आपको ना बताना भूल गई थी कि आज चंदा ने ना मुझसे 4,000 रुपए मांगे थे, मैंने उसे दे दिए, सोचा जरूरत होगी बेचारी को। 4,000 रुपए ऐसे ही दे दिए भाई, किस खुशी में? 4,000 रुपए की तो बात है, और वैसे भी आपको पता है कि वो बेचारी मेरी कितनी मदद करती है, जो कहती हूँ चुप करके कर देती है, दूसरी मेट्स का आपको पता है आजकल कितने नखरे दिखाती है। हाँ भाई, मगर इस तबके के लिए 4,000 रुपए बहुत पैसे होते हैं। जो भी करना था, और वो बेचारी कौन सा रोज रोज पैसे मांगती है, पहली दफा तो मांगे थे। मैडम, दुनिया को ना सिर्फ एक चेहरे से नहीं देखना चाहिए, कभी दूसरे रुख को भी देखने की जहमत कर लेनी चाहिए। भाई माफ करना अजू, तुम तो हमेशा दुनिया का दूसरा रुख ही देखते हो। भाई तुम तो ना रहने ही दो, हमेशा की तरह आज भी लेट हो गए, मतलब वक्त की कोई अहमियत है? आगा अंकल, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया? एक ही दिन मुझे मिलता है पापा के साथ स्पेंड करने का, पापा वो भी आपकी नजर कर देते। इनकी नजर नहीं कर देते, बल्कि शतरंज की नजर कर देते हैं। बल्कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शतरंज जो है ना मेरी सौतन है। तुम्हें भी ना बस मौका चाहिए, कभी भी कहीं पर भी शुरू हो जाती हो। आए आए, आप तो चले, वैसे ही लेट आए। आए। इजाज साहब नबीला को कितना ही समझाते, मगर नबीला की जबान पर तो बेचारी कितनी प्यारी, मेरे सारे काम कर देती है। और इजाज साहब को गुस्सा आने से पहले अगर आगा जी ना आ जाते तो ये बहस और तवील हो जाती। आगा जी बचपन के दोस्त थे इजाज साहब के, और हफ्ते में एक दो दिन इनकी शतरंज की बाजी इजाज साहब के घर ही जमा करती थी। बॉयफ्रेंड था ना तुम्हारा, यही है वो लड़का जिसको तुमने 4,000 रुपए दिए? बोलो बाजी, ये बहुत अच्छा है, मुझसे शादी करना चाहता है। बकवास बंद करो तुम अपनी। ओफ अल्लाह, इजाज बिल्कुल सही कह रहे थे कि दुनिया को एक नजर से मत देखा करो, जरा शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरी बेटियों का सोच लिया होता कि उन पर क्या असर पड़ेगा तुम्हारी इन हरकतों का। बाजी प्लीज मुझे काम से मत निकाले, वो आइंदा यहाँ नहीं आएगा, मैं उसको समझाऊंगी।
तुम इस घर में एक मिनट नहीं रह सकती अब, यहाँ से चलती बनो। बाजी ऐसा ना करें। पहले सोचना था ना ये हरकतें करने से। चलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से। बाजी बाजी मेरी बात तो सुने। चेक। और ये मेट। क्या बात है आगा साहब, कर मुद्दतों बाद आखिर आपको मात आज दे ही दी। सब खैरियत तो है आगा, काफी परेशान लग रहे हो। मैं कई दिनों से तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था, पर ये सोचकर खामोश हो जाता था कि तुम बुरा ना मान जाओ। हाँ हाँ तो कहो ना भाईजान, काफी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, जो भी बात दिल में है ना कह दो। यार दो तीन रोज पहले मैंने मारुख को किसी लड़के के साथ देखा था। लगता नहीं कि मारुख के कॉलेज का दोस्त होगा। तुम्हें तो पता है आजकल के लड़कों का, जहाँ अमीर लड़की देखी उसके पीछे इसको मोहब्बत के दाने डालने लगते हैं। मारुख तो मासूम बच्ची है, उसे अच्छे बुरे की कहाँ तमीज़। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है। मारुख इस वक्त कॉलेज में होगी, पर मेरा वहम आज दूर हो गया जब मैंने उसी लड़के के साथ मारुख को आज देखा। लड़का देखने में वाजिबी सा था, नॉर्मल से कपड़े ज़ेबे तन थे। ये सब सुनते सुनते इजाज़ साहब गुस्से और शर्म से लाल हो रहे थे। उनका गुस्सा मजीद बढ़ता जा रहा था। अगर ये बात आगा जी के अलावा किसी और ने कही होती तो शायद वो यकीन ना करते, क्योंकि माहरुख उनका मान थी और आज तक किसी की हिम्मत ना थी कि वो माहरुख के खिलाफ इस तरह की बात करता। मगर ये सब तो आगा जी कह रहे थे, जिन पर इजाज साहब को खुद से ज़्यादा यकीन था। इधर नबीला तो चंदा के इस कदर खिलाफ हुई जैसे चंदा से बुरी तो इस दुनिया में कोई लड़की ही ना हो। नबीला को भी तो चंदा पे बहुत मान था, जो उनकी नज़र में चंदा ने तोड़ डाला था। अरे भाई सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल खबर नहीं थी कि मेरे पीठ पीछे ये गुल खिलाए जा रहे। सोचो ज़रा, बच्चियों वाला घर है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो मैं क्या मुंह दिखाती। मैंने भी ना ज़रा रहम नहीं किया चंदा पे और फौरन उसको चलता किया। और आपको भी यही मशवरा दूंगी कि उसको अपने पास मत रखें, वरना बहुत पछताएंगी। एक सेकंड, मैं ज़रा कॉल बैक करती हूँ आराम से। हाँ जी क्या हुआ, आज के आगा साहब शतरंज खेले बगैर निकल गए? क्या बात है, तबीयत तो ठीक है आपकी? चाय बना के लाऊं? कोई जरूरत नहीं। एक बात पूछ सकता हूँ? पूछे। दूसरों की बेटियों की बड़ी फिक्र रहती है तुम्हें, कभी अपनी बेटी की खैर खैरियत पूछी है? किसकी बात कर रहे हैं आप? मारुख की बात कर रहा हूं, और किसकी? क्या हुआ मारुख को? कहां गई है वो? छुट्टी वाले दिन आप तो बिजी होते हैं, शतरंज की गेम खेल रहे होते हैं। वो बेचारी क्या करे, अपनी फ्रेंड के साथ लंच पे गई है। अच्छा, और जब वो मोहतरमा वापस आए तो जरा पूछिएगा कि जिस दोस्त के साथ वो लंच करने गई है उस दोस्त का नाम क्या है। क्या मतलब, किसके साथ गई है वो? मुझे क्या पता। आगा साहब बता रहे थे कि नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम आज किसी लड़के के साथ हाथ में हाथ डाले हुए रेस्टोरेंट में जाते हुए देखा है। What? लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो दूसरों की बेटी की फिक्र रहती है, हद करती लापरवाही की। अच्छा बात तो सुने यार। मारुख कौन से रेस्टोरेंट गई थी तुम?
आपको बताया तो था कि नाजिया के साथ जा रही हूँ लंच पे। मुझे सीधी तरह से बताओ मारो कि तुम किसके साथ गई थी और कहाँ गई थी। क्या हो गया, नाजिया के साथ गई थी ना? तुम नाजिया के साथ नहीं थी, सच सच बताओ। असद। असद? कौन असद? हाँ? कॉलेज में लाइब्रेरियन है। क्या तुम उसके साथ थी? क्या कर रही थी मुझे बताओ, मुझे बताओ। कहीं तुमने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिससे हमारी इज्जत खराब हो जाए? बोलो। नहीं मामा, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, शादी? क्या हो गया है तुम्हें महरुख? चलो तुम मेरे साथ अंदर, तुम्हारे पापा को सब पता चल गया, वो तुम्हें पूछेंगे। चलो चलो अंदर। शादी करना चाहती है ये मैडम। शादी? जी। शादी का मतलब जानती हो तुम? शादी करना चाह, और ऐसे लड़का करता क्या है? इसके कॉलेज में लाइब्रेरियन है। क्या? मामूली सा लाइब्रेरियन? बेटा तुम होश में तो हो? देखो बेटा, जिंदगी में दोस्ती और रिश्तेदारी हमेशा बराबर की करते हैं। वैसे रहता कहाँ है तुम्हारा ये लाइब्रेरियन? जवाब दो, पापा कुछ पूछ रहे। पता नहीं। तनख्वाह क्या है? पूछा नहीं। कितना पढ़ा है? एमए पास है। और कौन से सब्जेक्ट्स में एमए किया? पता नहीं। एमए पास? तुम्हें पता भी है कि एमए पास किया या फेल किया है? अरे भाई, किस डिवीजन में पास है, कुछ तो पता होगा। लो जी, ये मालूमात रखती है उस शख्स से जिससे शादी करना चाहती है। वाह मारुख वाह, ऐसे लगता है कि तुम घर शोहर नहीं बल्कि किसी कार का नया मॉडल लाना चाहती हो। शादी करूंगी। आज से कॉलेज वाले जाना सब बंद। बन गई तुम डेंटिस्ट, अब घर पर ही रहना, इसे कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। पापा बहुत अच्छा लड़का है। तो मैं कब कह रहा हूं कि अच्छा नहीं है? लेकिन बेटा, तंग दस्ती में उसकी ये अच्छाई से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और ना ही तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी। पापा किस बात पे रो रही थी ये समझना मुश्किल था। इजाज साहब के इस तरह डांटे जाने पर, कॉलेज छूट जाने पर, या फिर असद पर एतराज होने से, ये सब उसे भी समझ नहीं आ रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए, पर इजाज साहब का रवैया उसके साथ वैसा ही रहा। ये सब यूं ही चलता रहता अगर आगा जी इजाज साहब को ना समझाते। क्या 3 हफ्तों से कॉलेज नहीं गई? ये तो ज्यादती है जो, इस तरह की हरकतें तो हो ही जाती हैं जवानी में। आगा यार, अगर यही हरकत बेटा करता ना तो कोई अचंभे की बात नहीं होती, लेकिन मारो बेटी है यार, कल को पराए घर जाना है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो गई ना तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहूंगा। क्या इस डर से पढ़ाई छुड़वा दोगे? पढ़ाई के बहाने अगर ये सब कर रही है ना तो बस हो गई पढ़ाई। वैसे भी कौन सा लेक्चर्स अटेंड करती है? रहने दो, डिग्री बन गई डेंटिस्ट। यार मैं तो अब सोचता हूँ ना कि बस अच्छा सा रिश्ता मिल जाए ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाऊं। तुम
सही कहते हो, आजकल का माहौल कुछ हद से ज्यादा ही खराब होता जा रहा है। यार अब कब तक उससे खफा रहोगे अजू? तुम्हारे कहने पर घर बैठ तो गई है। मुझे लगता है तुम्हें उससे पहले जैसा बर्ताव करना पड़ेगा। हद से ज्यादा सख्तियां भी बच्चों को बागी बना देती हैं। यार तुम उससे अच्छी तरह बात करो, उसे बताओ कि तुम उसके दुश्मन नहीं हो, उससे पहले जैसा प्यार दो। उसे लगना चाहिए कि तुम उसका भला सोच रहे हो, वो समझ जाएगी। शायद तुम ठीक कहते हो यार, चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, शायद मान जाए। वो एक मामूली सा लाइब्रेरियन है यार। क्या ख्वाब देखे थे मैंने तुम्हारे लिए। अरे राजकुमार से शादी कराना चाहता हूं तुम्हारी। और असद के बारे में हमने पता किया है, घर का सबसे बड़ा है, बाकी सिर्फ बहनें हैं उसकी। और उसकी तारीफ उसकी ये है कि एमए पास तो किया है उसने पॉलिटिकल साइंस में, वो भी सेकंड डिवीजन में। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेरे दफ्तर में जो क्लार्क मौजूद है ना, उसके पास बेहतर डिग्री है। दरअसल मसला ये है कि तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज नहीं है। तुम खुद नहीं जानती कि तुम्हारी जरूरतें क्या हैं, और गलती सिर्फ हमारी है कि घर बैठे बैठे तुम्हें सब कुछ दे दिया। खुद का टी शर्ट तो ठीक से इस्त्री कर नहीं सकती। जिस दिन ड्राइवर नहीं आता उस दिन तुम कॉलेज नहीं जाती। 3 दिन शॉपिंग किए बगैर तुमसे रहा नहीं जाता। मुझे ये बताओ कि असद तुम्हें 3 वक्त की रोटी दे पाएगा? देखो बेटा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मुझे तुम्हारी पसंद की शादी पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये जो इश्क है ना, तंग दस्ती और फाका कशी में 1 सेकंड में निकल जाता है। जरा सोचो मारो, और 4 बहने हैं उसकी, उन सबको बयाना है, उस घर में तुम्हारी क्या हैसियत होगी? छोटे से 3 कमरों के मकान में 7 अफराद रहते मारो, 7/8 अफराद तुम होगी। इस बड़े से घर में गलती से 2 मेहमान क्या आ जाते हैं तो तुम्हारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाती है। और ये असद जैसे लड़कों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, अपनी जिम्मेदारियों का बोझ मोहब्बत के नाम पर मासूम लड़कियों के घर वालों पर रख देते। देखो मारुख, मैं तुम्हारा बाप हूं, हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगा। अब प्लीज रोना बंद करो, ये आंसू पोंछो और चलो आज हम कहीं बाहर चलते हैं। अरे मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया, बाहर ही खाना खाएंगे और फिर फिल्म भी देखने जा रहे हैं, चलो ना, बड़ा मजा आएगा। और मैं वादा करता हूं आज से शतरंज बंद, ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें मैंने कभी वक्त ही नहीं दिया। अच्छा, आई प्रॉमिस यू भाई, हर संडे बाहर लेकर जाऊंगा, थोड़ा तो मुस्कुरा दो। अब चलो ना, प्लीज आओ, शाबाश, आओ, गुड गर्ल, आ जा, आओ, शाबाश। वाओ आपकी क्या घड़ी है, काफी महंगी लग रही है। पूरे 2 लाख की है। क्या बात है, 2 महीने से बड़े गिफ्ट मिल रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया, पढ़ाई छोड़ दी इसीलिए? हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। मैं भी पढ़ाई छोड़ दूंगी, अभी जाकर पापा से कहती हूँ। हाँ जाओ, कह दो पापा से।
जी नहीं नहीं आपा माशाल्लाह ये तो बहुत ही अच्छी खबर है जी जी मैं बताता हूँ आपको ओके थैंक यू क्या कह रही थी आपा पापा पापा मैं भी पढ़ाई छोड़ दूंगी पढ़ाई छोड़ दूंगी क्यों भाई दो महीने से आप ही कॉलेज नहीं गए उससे बड़े गिफ्ट मिल रहे हैं फिर मुझे भी मिलेंगे अच्छा गिफ्ट में ये ले तुम्हारा गिफ्ट तो मैं देना भूल ही गया लेकिन पढ़ाई वढ़ाई छोड़ने का मत सोचना ठीक है थैंक्स पापा थोड़ा सा मुस्कुरा तो दे अच्छा अब बताए ना क्या कह रही थी आपा ओ हाँ कह रही थी कि एक अच्छा सा लड़का पसंद किया है लड़के ने CSS किया है माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन है और सबसे अच्छी बात कि इस्लामाबाद की फैमिली है बहुत ही वेल कनेक्टेड भाई मैं तो माशाल्लाह काफ़ी खुश हूँ आपा कह रही थी कि बेहतर यही होगा कि मारुख को हम एक बार इस्लामाबाद भेज दें ताकि वो भी लड़के से मिल ले क्या ख्याल है तुम्हारा मेरा क्या ख्याल हो सकता है इस बारे में आपकी लाडली है ना आप ही हैंडल करें इस मैटर को और आपको पता है कि दो महीने से उसने रो रो के अपना हशर निकाला हुआ है अब जाके तो थोड़ी सी रौनक आई है उसकी शक्ल पे हाँ फिक्र मत करो और वैसे भी मैं मारुख पर किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा ठीक है तो फिर आप उससे बात कर ले नहीं तुम ही एक बार बात कर लो अगर वो नहीं मानती फिर मैं देख लूंगा ठीक है मैं उससे बात करके देखती हूँ डोंट वरी थैंक यू अब तो ऐसा लगता था कि मारुख को मोहब्बत नहीं बल्कि उस लड़के से वक्ती अट्रैक्शन हुई थी नबीला मारुख का यह बदला हुआ रवैया देखकर हैरान थी कि मारुख अब खुश रहने लगी है शायद वो उस लड़के को भूल चुकी है एजाज साहब ने भी तो सारे मामले को बहुत अच्छी तरह संभाल लिया था मगर मारुख ने जब नबीला को यह बताया कि मारुख क्या हर वक्त तुम बेटा यहाँ बैठी रहती हो बाहर निकलो फ्रेश हो के इतना अच्छा मौसम हुआ है मेरा दिल नहीं करता मेरी बात सुनो तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे थे इश्क मोहब्बत से जिंदगी नहीं गुजरती अपनी कजन का हशर देख लो उसने भी तो लव मैरिज की थी ना क्या हुआ उसके साथ कुछ बोलो मुझे आपसे एक बात करनी है बोलो मेरी जान असद के पास मेरी कुछ पिक्चर्स और मैसेजेस हैं और अगर मैं सब कुछ भुला भी देती हूँ तो मुझे डर है कि क्या मतलब खुदा ना खास्ता वो तुम्हें ब्लैकमेल तो नहीं करेगा उसने ऐसा कुछ कहा तो नहीं है लेकिन वो एक लड़का है और जब उनकी ईगो हर्ट होती है तो वो कुछ ऐसी हरकत कर देते हो क्या बेवकूफ़ी कर दी है तुमने मारुख खैर तुम बिल्कुल परेशान मत हो तुम इस्लामाबाद जाने की तैयारी करो असद को तुम्हारे पापा और मैं हैंडल कर लेंगे समझी यू गेट रेडी और आ जाओ बाहर आओ आ जाओ नाजिये की हरकत देखी हाँ देखी थी और मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी मुझे लगता है कभी कभी ना उसका स्क्रू ढीला है पता नहीं कब क्या किस तरह क्या बात करनी उसको समझ नहीं आता तुमने पापा से बात की पापा से किस बारे में अरे मेरे और तुम्हारे बारे में कर लूंगी ना व्हाट्स द हरी रुको तो सही अच्छा ठीक है लेकिन देखो प्लीज कर लेना तुम हर बात में मजाक में टाल देती हो तुम अच्छा ना अभी मुझे भूख लग रही है मैं कर लूंगी पापा से बात व्हाट्स द हरी लेट्स गो लेट्स ईट एक मिनट एक प्रॉमिस करना पड़ेगा क्या बोलो तुम्हें एक बार मेरे घर चलना पड़ेगा मॉम डैड से मिलने के लिए देखो हमें वहाँ रहना है ना तो मिलना चाहिए क्यों हाँ जरूर मिलना चाहिए मिलेंगे जाऊंगी लेकिन खाना खाने के बाद वरना मूड मेरा ऑफ हो जाएगा चलो लेट्स गो चलो भाई कितना खाती हो तुम Thank you.
अरे आज यहाँ कैसे? बस वैसे ही कुछ सोच रही थी। क्या? माहरुख के बारे में। तो तुमने इस्लामाबाद जाने वाली बात की? की। क्या कहती है? वो खामोश हो जाती है। मैं दो बार उससे बात कर चुकी हूँ। मुझे लगता है आपको उससे बात करके देखनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं भी कोशिश कर लेता हूँ। है कहाँ वो? अपने कमरे में है। मैं जरा मिलकर आता हूँ। हाँ बेटा, फिर क्या डिसाइड किया? इस्लामाबाद जाओगी? कम ऑन बेटा, क्या मुझ पर एतबार नहीं है? तुम तो जानती हो कि तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं भेजूंगा। तुम हाँ कहोगी तो हाँ, ना कहोगी तो ना। मेरा मतलब है, इसमें जोर जबरदस्ती तो कोई बात नहीं है। देखो मारुख, मेरी राय तो ये है कि तुम्हें इस्लामाबाद जाना चाहिए। अरे पप्पू के पास आराम से रहो, घूमो फिरो, मजे लो। और हाँ, उस दौरान अगर मूड हुआ तो फिर लड़के से भी मिल लो, क्योंकि लड़का अच्छा लड़का है मारुख। CSS कर चुका है, कल को बहुत अच्छी पोजीशन होगी उसकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैमिली है इस्लामाबाद की, बहुत कनेक्टेड फैमिली है। मर्जी तुम्हारी है, लेकिन मैं तो सिर्फ मशवरा दे सकता हूं ना। तो फिर बताओ, जाओगी? मतलब जाने में कोई हर्ज तो नहीं है ना, एक बार जाकर मिलाओ। टिकट बुक करवाऊं तुम्हारी? ग्रेट, तो फिर मैं कल ही की टिकट बुक कराता हूं। माहरुख के वाले साहब की कोई बात हुई है? हाँ, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। DSP साहब से बात की मैंने, वो तो कह रहे हैं कि थाने बुलवा लेंगे, सब कुछ रख कर जाएगा। मैं देखती हूँ। आंटी, मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ। मैं असद, माहरुख का। माहरुख ये देने आया था आंटी। पर ये क्या है? माहरुख की चंद तस्वीरें हैं जिन पर मेरा कोई भी हक नहीं है, सिवाय उसकी यादों की। मेरे पास कुछ और नहीं बचा। उसे कहिएगा कि वो मेरी तस्वीरों के साथ साथ मेरी यादों को भी जलाते हैं। उसे ये भी कहिएगा कि मुझे लेके बदगुमान ना हो। मैं कभी भी उसे बदनाम करने का सोच भी नहीं सकता, बल्कि मैं तो आज भी यही दुआ करता हूं कि वो जहां भी रहे खुश रहे। मेरी किस्मत में नहीं था शायद उसका साथ। चलता हूं।